स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजी। इसको हम समझते हैं कि इकोलॉजी क्या होती है। इकोलॉजी बोलते हैं ऐसी स्टडी को जिसमें ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता है कि वो किस तरह से अपने इन्वायरमेंट के साथ रिलेट कर रहे हैं और कैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट कर रहे हैं, यानी इनके कैसा रिलेशन है, कैसी इंटरेक्शन है दूसरे जानवरों के साथ और अपने एनवायरनमेंट के साथ। तो ऐसी स्टडी को बोला जाता है इकोलॉजी। ठीक है, अब कम्युनिटी। कम्युनिटी डिफरेंट डिफरेंट जो स्पीशीज होती हैं, अगर वो एक ही इकोसिस्टम में रहती है तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी। इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज बायोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो और उनका एनवायरनमेंट, ये बनाते हैं मिलकर इकोसिस्टम। जब भी इकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं, पॉपुलेशन को एग्जामिन कर रहे होते हैं, इकोलॉजिस्ट होते हैं वो जो इकोसिस्टम की स्टडी करते हैं, तो ये देखते हैं कि पॉपुलेशंस किस तरह एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं और इंक्लूडिंग उनका जो प्रे और प्रेडेटर का रिलेशनशिप है वो भी देखा जाता है। प्रे प्रेडेटर का मतलब एक प्रे होता है शिकार और प्रेडेटर शिकारी, मतलब प्रेडेटर छोटे ऑर्गेनिजम्स पे फीड करता है और जिन पे वो फीड करता है, जिनको वो खाता है उसको बोलते हैं प्रे। जैसे शेर होगा प्रेडेटर और जो गोट है वो है प्रे उसको, क्योंकि वो खा लेता है। तो इस तरह के रिलेशनशिप्स भी स्टडी किए जाते हैं इसमें, और ऑर्गेनिजम्स अपनी सेम स्पीशीज के अंदर कैसे इंटरेक्ट करते हैं दूसरे के साथ, जैसे उनकी ग्रूमिंग हैबिट्स हैं और उनकी जो मेटिंग पैटर्न्स हैं वो भी स्टडी की जाती है इसमें। जो टर्म है इकोसिस्टम, इसको कॉइन किया गया था टैंसले के द्वारा, आर्थर टैंसले। 1935 में इकोसिस्टम टर्म को कॉइन किया गया था आर्थर टैंसले के द्वारा, और इकोलॉजी टर्म को कॉइन किया गया था अर्नस्ट हेकल के द्वारा 1866 में। अर्नस्ट हेकल इकोलॉजी, आर्थर टैंसले इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स हैं, एबायोटिक जिनमें लाइफ नहीं है और बायोटिक जिनमें लाइफ है। जैसे बायोटिक में आते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, रिड्यूसर्स, और रिड्यूसर को डिकम्पोजर भी कहते हैं। एबायोटिक, एबायोटिक मींस डिवॉइड ऑफ लाइफ, जिनमें लाइफ नहीं है, लाइफ के बिना। ये फिजिकल होते हैं और इसकी एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, वाटर, मॉइस्चर, जो भी है नमी उस हवा में, सॉइल, वाटर केमिस्ट्री एट्सेट्रा। प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर वो होते हैं जो फूड को प्रोड्यूस कर लेते हैं कार्बन को फिक्स करके, और इनको ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। ऑटोट्रॉफ्स, इनकी एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, अल्गी। सारे बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ नहीं होते, कुछ बैक्टीरिया, अल्गे और ग्रीन प्लांट्स। ये अपना जो फूड है वो खुद ही प्रिपेयर करते हैं एक प्रोसेस के थ्रू जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। कंज्यूमर्स, कंज्यूमर वो जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते और दूसरों को कंज्यूम करते, दूसरों का बना हुआ जो फूड है उसको कंज्यूम कर लेते हैं, इनको हेटेरोट्रॉफ कहा जाता है। ये कार्बन को फिक्स नहीं कर पाते और इसलिए वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए। इसकी एग्जांपल है हर्बीवोर जो कि प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे, और कार्निवोर जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को ही कंज्यूम कर लेते हैं अपने फूड के लिए। डिकम्पोजर, डिकम्पोजर उनको कहा जाता है जो डिकम्पोज कर देते हैं, यानी जो रिड्यूस कर लेते हैं बड़े बड़े कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को, सिंपल कंपाउंड्स बना लेते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं उनको। इनकी एग्जांपल है फंजाई और बैक्टीरिया की कुछ स्पीशीज। अगर रिड्यूसर्स एनवायरनमेंट में ना होते तो धरती पे जो आज तक ना जितने भी मरे हुए ऑर्गेनिज्म हैं, उनके डेड ऑर्गेनिज्म, उनका ढेर बना होता धरती पे अभी तक, अगर रिड्यूसर ने उनको डिकम्पोज नहीं किया होता तो। फूड चेन ऐसा मॉडल है जो शो करता है एनर्जी के एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक जो एनर्जी का फ्लो होता है
उसको बोलते हैं फूड चेन। फूड चेन को हम डायग्राम से समझते हैं, ये फूड चेन की एग्जांपल है। फूड चेन हमेशा ही प्रोड्यूसर से शुरू होता है। ये प्रोड्यूसर रहा, ये प्रोड्यूसर है कैरेट, ये प्रोड्यूसर है कोई ग्रास, और ये प्रोड्यूसर है कॉर्न, और ख़त्म होता है प्रेडेटर्स पे, टॉप प्रेडेटर्स पे। उस फूड चेन का टॉप प्रेडेटर यही है, उस इस फूड चेन का टॉप प्रेडेटर ये, और इस फूड चेन का, और ये जो टॉप प्रेडेटर है, जब ये मरेंगे इनको भी डिकम्पोजर्स नहीं करना है, माइक्रोब्स नहीं ही इनको वापस सिंपल मिट्टी में मिलाना है। अब ये जो कॉर्न है, इसको खाया रैट ने, और रैट को खाया आउल ने, तो ये तीन ऑर्गेनिज्म का फूड चेन हुआ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये तीन ऑर्गेनिज्म हैं। तो ऐसे जब तीन ऑर्गेनिज्म हो तो उसको बोलते हैं थ्री लिंक्ड फूड चेन, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है फूड चेन की जो लेंथ होती है, वो जितने ऑर्गेनिज्म है उस पर डिपेंड करती है फूड चेन की लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैरेट, कैरेट को खाया रैबिट ने, रैबिट को खाया फॉक्स ने, फॉक्स को खाया लॉयन ने, तो यहाँ चार ऑर्गेनिज्म हुए। तो इसको बोलते हैं फोर लिंक्ड फूड चेन। यहाँ पे ग्रास है, ग्रास हॉपर ने ग्रास को खाया, इसको खाया फ्रॉग ने, और फ्रॉग को खाया पाइथन ने, पाइथन को खाया ईगल ने। तो यहाँ पे देखिए फाइव ऑर्गेनिज्म है ये, तो इसको बोलते हैं फाइव लिंक्ड फूड चेन, एंड सो ऑन। अब फूड वेब, फूड वेब फूड चेन्स का ही नेटवर्क होता है। फूड चेन के जो कनेक्शन है आपस में, फूड नेटवर्क है, इसको बोला जाता है फूड वेब या फूड साइकिल। इसको कंज्यूमर रिसोर्स सिस्टम भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं फूड चेन और फूड वेब के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। फूड चेन एक सिंगल लीनियर पाथवे न्यूट्रिएंट्स के फ्लो का, जबकि फूड वेब जो इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स हैं। और फूड चेन में जो हायर ट्रॉपिक लेवल का ऑर्गेनिज्म होता है, वो सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है। उसके पास खाने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, एक ही जानवर होता है। बट जो फूड वेब है, उसमें जो हायर ट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, उसके पास बहुत सारे एनिमल है, बहुत सारे ऑप्शन है खाने के लिए। ठीक है, एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होता है उसके पास खाने के लिए। हम डायग्राम से इसको देखते हैं थोड़ा सा। ये फूड चेन है, इसमें जो हायर ऑर्गेनिज्म है, उसके पास सिर्फ एक ही फॉक्स है खाने के लिए, इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। पर फूड वेब में अगर हम देखेंगे, यही जानवर है लॉइन, देखिए लॉइन, ये किस किस को खा सकता है, ये गोट को भी खा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फूड चेन्स हैं, लिंक्ड हैं। ये इस जकाल को भी खा सकता है, और ये वाइल्ड कैट को भी खा सकता है। दैट मीन्स कि इसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, इससे ज़्यादा इसके पास फूड के लिए ऑप्शन है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो फूड चेन है, आइसोलेटेड या सेपरेट जो फूड चेन होता है, वो इनस्टेबिलिटी को बढ़ाता है, यानी स्टेबिलिटी को कम कर लेता है, जबकि फूड वेब जो है स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। फूड चेन जो है आइसोलेटेड, स्टेबिलिटी कम करते हैं, फूड वेब स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। ओके, फूड चेन का किसी भी स्पीशीज की अडेप्टिबिलिटी पे, अडेप्टिबिलिटी होती है उस एनवायरनमेंट पे एडजस्ट करना, अडेप्टिबिलिटी को या उनकी कंपटिटिवनेस को बढ़ाने में कोई रोल प्ले नहीं करता। बट जो फूड वेब है, वो स्पीशीज की अडेप्टिबिलिटी और उनकी कंपटिटिवनेस को बढ़ाता है। धन्यवाद।